का बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए बेहद इंपोर्टेंट वाला है क्योंकि जो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जिनकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आज मैं उनके आंसर लेके आ गया हूँ जी हाँ जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन कराए थे पचास अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए थे इस वीडियो में उनके आंसर लेके आ गया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जा रही है पेपर तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी सारे मोस्ट क्वेश्चन आपको जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चलिए पहला प्रश्न आपका था कि अशोक शक्ति आंदोलन को समझाइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसका उत्तर आपके सामने रहा पहला उत्तर ठीक है चलिए आप इसका चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं पहला उत्तर हो गया अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए तो इसमें क्या था कि एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना था ठीक है अश्व शक्ति आंदोलन क्या था कि जो रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था उसको समाप्त करना उद्देश्य था अश्व शक्ति आंदोलन कहलाया मार्टिन लूथर किंग इस आंदोलन प्रमुख नेता थे विदेशी व्यापार से क्या ऐसा है इसको उत्तर ये रहा विदेशी व्यापार तत्पर दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है इनमें आयात निर्यात शामिल है जब दो या दो से अधिक देश वस्तु या सेवाओं का विनिमय करते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है विदेशी व्यापार कहलाता है इसमें वस्तुओं का क्या होता है आयात निर्यात होता है ठीक है फिर राजनीतिक दलों के प्रमुख कार तो भैया ये हो गया पहला चुनाव लड़ना हो गया इसका प्रमुख कार्य पहला क्या हो गया चुनाव लड़ना दूसरा क्या हो गया आपका नीतियों नीतियाँ व कार्यक्रम जनता के सामने रखना चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर आता है जाबर कौन थे तो यहाँ पे देखिए आप इसका उत्तर आपके सामने है कि उद्योगपति ने मज़दूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे जिन्हें जाबर कहा जाता था चलिए आगे बढ़ जाते हैं रोपण क्रिस की विशेषताएं फिर रोपण क्रिस की विशेषताएं ठीक है सारे उत्तर आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं ह्यूमस किसे कहते हैं फिर आ जाता है ठीक है संसाधन किसे कहते हैं फिर झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं इसके उपाय ये तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना ठीक है उपाय आपके सामने रहा फिर भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है फिर एजेंडा इक्कीस आरक्षित बन किसे कहते हैं सतत पोषणी विकास क्या है जैव विविधता क्या है इसे कम करने के उपाय ठीक है थीके? फिर निरंकुश बात की परिभाषा फिर सूरत बंदरगाह के एक सदी के अंत तक हाँसी पर पहुंचने के कारण लिखिए ठीक है सारे उत्तर आपको इस वीडियो में भी मिल रहे हैं है ना न संसाधनों के दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं आप लोग करते जाइए ठीक है ना फिर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना क्या है इसकी विशेषताएं जातियों से क्या से है ठीक है करीब और अभी फसल में अंतर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया सारे उत्तर आपको मिल रहे हैं ठीक है जलिया वाला बाघ हत्याकांड में टिप्पणी पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है सूचना के अधिकार से क्या आशय है फिर जीव संरक्षण के उपाय झूम किस किसे कहते हैं फिर एप्रोमे की सबसे क्या तत्पर है उदारवाद का अर्थ बताइए फिर बहिष्कार का अर्थ लिखिए प्रति किसे कहते हैं राष्ट्रीय किसे कहते हैं उदारीकरण से क्या आशय है वैश्वीकरण को समझाइए उपभोक्ता जागरूकता क्या है अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ठीक है बाकी क्वेश्चन में आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है ना बाकी क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना